हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नए लोगों के साथ, नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इंट्रो तो देख रहे हो आप, कितना ही खूबसूरत लोगो आज बनाना सीखेंगे हम। तो लोगो बनाने के लिए दोस्तों, आपको हमेशा प्ले स्टोर से जो पिक्सल लैब है वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। तो पिक्सल लैब हमेशा ओपन कर लेना। देखो, ओपन पिक्सल लैब है ये, इसका ना एप्लीकेशन लैब है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं हमेशा के लिए साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ यूट्यूब थंबनेल वाला। तो इस तरह से मैं एक सेम में गया, सेम में कुछ इस तरह से मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी है। ओपेसिटी कम करने के बाद में स्ट्रोक मैंने इसको कुछ इतना दे दिया है। तो ये आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी स्ट्रोक चाहे इसका पतला मोटा जितना भी आप दोगे, तो ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आपकी च्वाइस की है। तो इस तरह से हमें सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, जिस किसी भाई जो नया हो वीडियो चैनल पर, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों चैनल को मेरे, और बेल आइकन को आल पर प्रेस कर देना दोस्तों। तो कुछ इस तरह से करके हमें लेयर पर जाके दोनों के दोनों स्ट्रोक को हम सेलेक्ट कर लेंगे मेरे दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद में तो आगे ध्यान से देखना, तो आगे क्या करना है हमें। तो इस तरह से कुछ मैं ले आऊँगा एक शेप है, और इसका ब्लैक कलर दे दूंगा हमेशा, ये वाइट कलर ही रखेंगे हम इसका। तो मास्क यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन मिल जाएगी। तो इसको इस तरह से ध्यान से समझ लेना क्या कौन सा मैं टूल यूज कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ इस तरह से हमें इसको बना लेना है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे दोस्तों ने बोला था कि यार हमें बताओ ना ये कैसे बनाते हो तुम ये वाला डिजाइन। तो कुछ इस तरह से हमें ये डिजाइन बन जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से देखो। इस तरह से बनने के बाद में हमारा इसको सिलेक्ट कर लो, इसको आराम से फिट कर लो, इसको इसका ब्लैक कलर दे देना। तो फिजूल इसका जो ये है, तो उसको भी आप हमें ख़त्म कर देना है दोस्तों। कुछ इस तरह से आप समझ लेना बात को, मैं क्या आपको समझाने की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। तो आराम से ध्यान से देखना, तो इस तरह से बन जाएगा कुछ। तो हमारा तो मुझे खाली ये जो ये है डिज़ाइन, मुझे यही डिजाइन चाहिए फायर जैसा, फायर के जैसे इसको मुझे फायर का ये बनाना है शेप। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बन जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से हमें करने के बाद में। तो राइट साइड में हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, ध्यान रखोगे जब ये आपको बात समझ में आएगी। अगर समझ बात नहीं आएगी तो आपको कैसो सावक कैसो बनाओगे यार। तो कुछ इस तरह से मैं एक ये सेम में जाके ये पट्टी ले आता हूँ, व्हाइट कलर की रूल सा ले आऊँगा एक में। तो ये रहने के लिए दोस्तों, इसको हमें क्या करेंगे, इसको मैं इसको यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, और इसको ये देखो वीडियो इसको मैं कम कर लूँगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, थोड़ा इसको टेपर में रखना है दोस्तों। इस तरह से हमें इसको रखना है, फिर इसी की एक कापी कर लेनी है, इसको फिर यहाँ पे रख देना है दोस्तों। कुछ इस तरह से हमें इसको, क्योंकि इसको हमें थोड़ा क्रॉस में काटना है दोस्तों। क्रॉस में काटने के बाद में कुछ इस तरह से, तो ये देखिए इसी की कापी लाया हूँ मैं फिर से। तो इसको हम क्या रखेंगे, इसको इस तरह से हमें बना लेना है दोस्तों। जो बीच में खाली जगह बचेगी उसको मैं फिर से एक पट्टी ले आऊँगा, उसको इन बीच में रख देंगे दोस्तों इस तरह से करके कुछ। तो ध्यान से बस यही रखना है। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये उस तरह से काट के दो इस पर लेयर पे जाकर मैंने मर्ज कर दिया ये सारी चीज़। तो फिर हम इरेज कलर जो यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन मिल जाता है, उस पर इरेज कर दो, उसको ऐसे फिट कर दो बिल्कुल दोस्तों। ये हो गया हमारा फिट। फिट होने के बाद में दोस्तों आगे चलते हैं हमारे आगे काम के लिए। तो सबसे पहले हमें ध्यान से रखना, तो ध्यान रखना क्या क्या करना पड़ता है, तो क्या क्या नहीं, चाहे ये कोई भी चीज़ आप कोई लास्ट में ला चाहे एंड में लाओ। तो फिर से शेप में गया, शेप में सर्कल पर जाके मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। फिर से मैं शेप पे जाऊँगा और फिर वाइट कलर का सर्कल जाऊँगा इस तरह से, और कुछ इस तरह से दोस्तों इसके ऊपर हमें सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद में लेयर पर जाकर फिर से हम इसको चेक बॉक्स करके इसको मर्ज कर देंगे दोस्तों। फिर इसको हमें क्या करना है, इरेज कलर पे इनको फिर से हमें क्या कर देना है, इरेज। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये मून की तरह बन गया है। तो लेकिन तो ध्यान रखना, लास्ट में जब लोगो बन जाएगा तभी हमें समझ में आएगा हमें क्या करना है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हमारा ये परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी की एक कापी कर लेनी है, तो इसको यहाँ पे हमें सेट करना है। कुछ हमें एक कार्टून सा बना देना है दोस्तों, ये कुछ आप ध्यान से रखना। कुछ इस तरह से हमें क्रोम में जाके इसको मैंने लेफ्ट साइड मोड़ लिया है दोस्तों, कुछ इस तरह से ये हो गया हमारा। तो अब इसको मुझे हाफ काट लेना है इसको, यानी कि हाफ कटिंग कर लेनी है दोस्तों। कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे कर लेंगे ऐसे, हमें आधा हिस्सा चाहिए दोस्तों। तो ऐसे करने के बाद में कुछ इस तरह से हम कर लेंगे दोस्तों, ये हो गया हमारा बिल्कुल फिट। तो जो हमारा जो यह बनाया हाफ हिस्सा, तो इसको हम फिर से कर लाएंगे लेफ्ट साइड में अपने उसके ऊपर रख देंगे इस वाले के ऊपर। देखो कुछ इस तरह से हमें इसको सेट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे कुछ इस तरह से आराम आराम से आप सेट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरह से एक मैं ये सर्कल में ये सेम में गया और फिर एक सर्कल लाया, और सर्कल का देखो किस तरह से इसका हमें क्या रखना है, इसका जो फेस कुछ इस तरह से हमें दे देना है, क्योंकि ये खूबसूरत लगेगा। और ये फ्लेयर का जो है मैंने बनाना है, ये जो है मैंने ये डिजाइन बनाया था ये फ्लेयर का, समझो इस तरह फ्लेयर का। तो इसको हमें क्या कर लेना है, इसको आराम आराम से इसको रखना है कहाँ पर, इसको इसको ऐसे रोटेट थोड़ा थोड़ा सा इसको हमें क्या करना है, रोटेट करना है दोस्तों। कुछ इस तरह से घुमाना है इसको बराबर, यहाँ पे आराम से इसको फिट कर लो मेरे दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये हमारा फिट। तो अब इसकी जो हमारा जो यहाँ पे डिजाइन बनाया है ये हमारा हो गया क्या,
बड़ा हो गया ना ये अब इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे जाएंगे, तो इसको फिर से हम डिजाइन में जैसा मैंने पहले बनाया था डिजाइन, तो ये मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से हमें फिर से बना लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा दोस्तों बन गया है। ये अगर पहले हम ये तीनों के तीनों ये लेफ्ट साइड में जो मैंने ये डिजाइन बना के रखा है उसको हम पहले अगर उसको हम पहले से मर्ज कर रखेंगे दोस्तों, तो ये मुझे इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसको फिर भी एडजस्ट कराया, धीरे धीरे से मैं एडजस्ट कर लेना है इसको, बार बार इसको एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको सबको एक सिंगल भी इमेज बना सकते हो, जो मैंने लेफ्ट साइड का इमेज बनाया जैसे कि एक कार्टून था ये वाला, तो उसको फिर बार बार हमें ये नहीं करना पड़ता। तो इसको देखना तो पड़ता है दोस्तों, बार बार अगर आगे पीछे करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे भी आप सीखोगे कामयाब हो जाओगे। मैं मुझे भी सीखना ही पड़ता है, तो तभी दोस्तों ये नहीं कि मैं जो चाहा तो वो बता दिया, ये सीखना पड़ता है पहले बहुत बार, जब जाके हमारा काम लगता है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हमारा ये इसको कर लेना है, एडजस्ट करना है बहुत अच्छी तरह। देखो आराम आराम से इसको जितना भी एडजस्ट करोगे, जितना भी खूबसूरत लगना चाहिए, ये ना होना चाहिए यार खूबसूरत नहीं लग रहा, कोई ये ना कहिए हमारा लोगो देखेगा और फिर वो अच्छा नहीं लग रहा है, उसको मज़ा नहीं आएगा। ये एकदम इन्हें एकदम बहुत ही ये देखना चाहिए लोगों को, एकदम एकदम यूनिक लगना चाहिए दोस्तों। जो भी आप चीज़ बनाओगे वो बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, एकदम अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है हमारे, ये मैंने कर लिया इसको। आप देखो मैंने इसको एक ही इमेज बना डाला, देखा आपने, अब मैंने एक इमेज बना डाला, अब इसको ऊपर नीचे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी दोस्तों। ऐसे करने के बाद में दोस्तों सबसे पहले हम दे देंगे इनको टेक्सचर। टेक्सचर क्या आप कलर भी दे सकते हो, आपको टेक्सचर भी तो ऑप्शन इसमें बार बार बोलता हूँ। ये गूगल क्रोम में आपको कोई भी मेटेलिक टेक्सचर लिखना है और कोई भी उसका कलर लिख देना है, जो सा कलर चाहिए तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा वहाँ से दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह से हो गया हमारा, परफेक्ट हो गया। तो दोस्तों आगे चलना है, आगे करना है, आगे देखना है आगे हमें क्या करना है दोस्तों। तो सभी को फिलहाल हम बारी बारी से टेक्सचर दे देते हैं। वीडियो दोस्तों बड़ा तो हो रहा है लेकिन टाइम भी लगता है और इसको बहुत टाइम लगता है, तो मैं थोड़ा आपको फास्ट टाइम फ्यूचर दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो ये हो गया हमारा, परफेक्ट हो गया। अब देखो ये कुछ तरह से, इस तरह से मैं दे दूंगा सभी को। तो ये हमारा सभी के सभी, ये भी मैंने इसको दिया था, इसको भी हमने क्या कर लिया था, अब अलग अलग हम कलर दे देंगे इनको सभी को। इसको मैं रेड कलर जो फ्लेयर का मैंने ये फायर का दिया था, जो फायर जैसे जल रहा हो तो उसको मैं रेड कलर दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये पूरा फायर परफेक्ट फायर नहीं लग रहा, तो फायर जो मेरा लेफ्ट साइड का था वो गोल्डन का सर लगाया मैंने, वो बनता है। लेकिन मैंने कुछ अजीब सा ये लोगो बनाना चाहा दोस्तों, ये खूबसूरत लगना चाहिए एकदम, बहुत ही अच्छा सुंदर। तो ये बन गया दोस्तों, ये कुछ इस तरह से बन गया। तो आप देखो ये भी, इसको भी मैं कलर दे देता हूँ आपको। अब इसका देता हूँ मैं, जो ये मेरा ये सर्कल बनाया है मैंने, इसको क्या दे दिया है मैंने, चॉकलेट कलर, लाइट चॉकलेट कलर मैंने इसको दे दिया है। ये हो गया हमारा इस तरह से कुछ परफेक्ट हमारा। तो अब इसको लेयर पर जाकर हमें तीनों के तीनों को हम क्या कर लेते हैं, एकदम लेयर पर एकदम मर्ज कर देते हैं। अब तो इसको हमें क्या करना है, इसको वापस जाना है यहाँ पर। ये देखो हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ यूआर नेम, यूआर नेम का मतलब हो क्या कि अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए मैं यूआर नेम लिख रहा हूँ दोस्तों। नीचे जो ये कैफ़े है ना, ये कैफ़े लोगो है, कैफ़े लोगो का मतलब समझते हो, जो कैफ़े होता है, जो कोई होटल पोटल होता है उसी के लिए ये होता है, ये डिजाइन बनता है इस तरह का। तो देखो इस तरह से ये वहाँ पे डिजाइन बन जाता है, कैफ़े डिजाइन, तभी मैंने लिखा है कैफ़े लोगो। तो दोस्तों आप कैफ़े लोगो की जगह अपना ही लोगो, अपना ही नाम लिख सकते हो मेरे दोस्तों। तो वहाँ फॉन्ट, रही फॉन्ट की बात, फॉन्ट आप जो भी आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हो, अपना फॉन्ट जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको पसंद है फॉन्ट, यहाँ पर हज़ारों करोड़ फॉन्ट मिल जाएंगे गूगल क्रोम में, जो भी फॉन्ट की ज़रूरत होगी वो आप मिल सकते ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ। ये देखो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। पहले उसको मैं सेंटर में ले आता हूँ, बिल्कुल सेंटर में पोजीशन पे, क्योंकि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये बिल्कुल हमारे क्या परफेक्ट होना चाहिए दोस्तों। ये इसके साथ चिपकना ना होना चाहिए, ये इसके साथ लग जाना ना चाहिए, ये सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है। कुछ इस तरह से हमारा ये फिट परफेक्ट होने वाला है दोस्तों। तो ध्यान से रखो, ध्यान दोगे जब भी आपको समझ हो जाएगा दोस्तों, जब वीडियो आप पूरा देखोगे जब भी तो आपको समझ में आएगा। कुछ इस तरह से मैं ये कैफ़े लोगो मैंने लिख देता हूँ। अब आज मैंने अपने चैनल का नाम मेरे दोस्तों नहीं लिखा है दोस्तों, क्योंकि यार अपने चैनल का नाम बार बार लिखे आप भी थक जाओगे, ये बार बार अपने ही चैनल का नाम लिख देता है। तो ये देखो, तो नीचे मैंने कैफे ये भी लिख दिया, यूआर नेम भी लिख दिया जो आप मैं समझा रहा हूँ, नीचे कैफे लोगो भी लिख दिया, और सबसे नीचे मैं लिख देता हूँ प्रोफेशनल लोगो, प्रोफेशनल ओनली प्रोफेशनल सॉरी लिख देता हूँ, ओनली प्रोफेशनल। तो ये इसको दे देता हूँ यहाँ पे। एक ये है, ये पेंसिल ये फॉन्ट का नाम है, जो गूगल क्रोम में आपको आसानी से लिखने से मिल जाएगा, पोज करके देख लो इसका नाम, और यही खाली लिखना है, इतना ही लिखना है बस, तो ये वाला फॉन्ट आपको मिल जाएगा। तो इसका साइज हम क्या करेंगे, काफ़ी छोटा कर देंगे दोस्तों। छोटा करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा ये
बनके तैयार हो जाएगा। और हाँ, इसको आप क्या करना है मैं दोस्तों, बिल्कुल सेंटर में इसको ले जाओ, आराम से परफेक्ट अपना इसका साइज आगे पीछे कर लो जितना भी हो, और उसको इस तरह से हम लिख देते हैं। और लेयर पर जाएंगे बॉक्स चेक मार्क करके, और इसको हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरह ऐसा हो जाएगा हमारा दोस्तों। ऐसे होने के बाद में अब दोस्तों इसको हम टेक्सचर दे देते हैं, एक अच्छा सा टेक्सचर। तो टेक्सचर आपको जो भी पसंद हो यार वो दे सकते हो, गोल्डन कलर का ही मैं टेक्सचर दे रहा हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने दे दिया है इसको। और इसको हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे, ये चेक मार्क जो ऊपर है ये चेक बॉक्स, इसकी मदद से हम इसको क्या करेंगे बिल्कुल ऊपर नीचे बिल्कुल सेंटर में रखेंगे दोस्तों। ऐसे हमारा ये हो जाएगा, हमारा बन जाएगा ये, तो खूबसूरत बन जाएगा। तो अब इसको लास्ट में हम क्या करना है, लेयर पर जाकर मर्ज कर देना है हमें दोनों की दोनों इमेज को, क्योंकि अब तो इमेज ही बन गई, अब टेक्स्ट तो नहीं है। देखो कुछ इस तरह से जाके लेयर पर जाके इसको बॉक्स पे कर दो। अब सबसे ज़्यादा पहले हम जाएंगे कहाँ पे, एम्बोस पे दोस्तों। तो जो बेवल है तो इसको बिल्कुल कम ही कर देना, और इसको राइट एंगल से आप परफेक्ट अपना बना लेना। देखो कितना ही परफेक्ट हमारा लोगो बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो अब इसको क्या करना है, अब आप बैकग्राउंड कलर लगा लो कोई भी, तो इसके लोगो के पीछे ब्लैक कलर बहुत ही खूबसूरत लगेगा दोस्तों, जो बैक के मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो आप कोई भी ब्लैक कलर, लेकिन वाइट होना चाहिए, तो ब्लैक कलर कोई भी दे सकते हो। इसमें थोड़ा सा ये है, इसमें थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा लाइट, लेकिन ये भी ब्लैक कलर है। तो देख रहे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आके दिन आपका शुभ रहे।